वास्तुशास्त्र में हर चीज़ का प्रभाव बताया गया है। अगर इन चीज़ों को ठीक से नहीं रखा जाए तो ये सीधे तौर पर हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। घर के किचन में इस्तेमाल होने वाली ज़रूरी चीज़ों में भी वास्तु की भूमिका होती है। इनमें भी वास्तु की अहम भूमिका होती है। किचन में इस्तेमाल होने वाला तवा भी ज़रूरी है। इसमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसका असर घर की आर्थिक स्थिति पर सीधा दिखाई देता है। चलिए जानते हैं कि रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले तवे से किस तरह से हम विवाह और घर में समृद्धि और शांति के लिए उपाय कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं तवे से जुड़े कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में। ऐसा माना जाता है कि खाना पकाने के बाद तवे को हमेशा साफ रखना चाहिए। और सभी की आंखों से छिपाकर रखना चाहिए। इसे कभी भी ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए जहां से आने वाले इसे देख सकें। खुले में कढ़ाई रखना भी अशुभ माना जाता है। बहुत से लोग इस बात की परवाह नहीं करते और इसे बुरा भी नहीं मानते कि उनका तवा रसोई घर में प्रदर्शित होता है, यानी कि सभी को दिखाई देता है। वे लोग अपने तवे को उपयोग करने के बाद या उपयोग से पहले शेल्फ की एक तरफ रख देते हैं। वे उन्हें इसी तरह से रखते हैं जैसे कि वो और बर्तन रखते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो तवे को खुले में कभी भी नहीं रखना चाहिए। कोशिश करें कि आपके परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य लोगों को आपका वो तवा दिखाई ना दे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे आपके विवाह में बड़ी समस्या आ सकती है। यह आपके स्वास्थ्य को भी बाधित करता है। दूसरा उपाय, रोटी बनाने से पहले तवे पर नमक छिड़कना चाहिए। तवे पर सबसे पहले गाय की रोटी बनानी चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होती। अगर आपको वास्तु के नियमों का पालन करना है तो रोटी बनाने से ठीक पहले तवे पर थोड़ा सा नमक छिड़कना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपके घर में पैसों की कमी होने की कोई संभावना नहीं रहती है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके द्वारा बनाई गई पहली रोटी किसी जानवर को खिलाई जाए, फिर उसी क्रम में इसे अपने और अपने परिवार के लिए बनाएं। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तीसरी बात, तवे को कभी भी तीखे करछुरी से खुरचना नहीं चाहिए और तवे से कुछ भी उठाकर सीधे नहीं खा लेना चाहिए। तवे से किसी भी खाने की चीज़ को हमेशा पहले एक प्लेट में लेकर जाएं और फिर उसे खाएं। कई लोगों की आदत होती है कि वो तवे से सीधे कुछ उठाकर खा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा भी माना जाता है कि कढ़ाई को उल्टा रखने से धन की हानि होती है, इसीलिए कढ़ाई को हमेशा सीधा ही रखें। चौथी बात, कभी भी गर्म तवे पर पानी न डालें। ऐसा करने से घर में परेशानी होने की संभावना बढ़ जाती है, इसीलिए पहले तवे को ठंडा हो जाने दें फिर उसमें पानी डालें। रात को खाना खाने के बाद तवे को हमेशा साफ रखकर ही सोएं। रात के समय कभी भी कढ़ाई और तवे को गंदा छोड़कर नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। घर में कढ़ाई और तवे को बिना धोए रखने से माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी दोनों ही नाराज़ हो जाती हैं। ये थे
तवे से जुड़े कुछ उपाय। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया।